हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि गुरु कौन होता है। वैसे तो एक कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। बहुत सही बात है, गुरु वो होता है जो आपको कोई ऐसी एक सच्चाई से वाकिफ कराए जिसके बारे में आपने जरा भी सोचा ही नहीं था, आपके जीने की राह को आसान कर दे। शायद ऐसा इंसान ही गुरु होता है। और गुरु होने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पीछे लाखों हजारों लोग घूम रहे हैं, आपके पैरों में गिर रहे हैं, आप पे फूलों की ब्यौछार कर रहे हैं, दान पेटी में पैसा डाले जा रहे हैं, तभी आप गुरु माने जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। कभी कभी आपको अपना गुरु ऐसी जगह पे मिल जाएगा, किसी ऐसे इंसान में मिल जाएगा जहाँ आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान मेरा गुरु भी बन सकता है। दोस्तों, ये कहानी जो माना जाता है कि सच्ची है, हम मेरे पास उसका कोई डेटा नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी डंके की चोट पे कि ये सच्ची है, लेकिन मैंने जिससे भी सुनी है उन्होंने बताया था कि ये कहानी सच है। एक दिन एक बहुत ही अमीर आदमी नदी के किनारे टहल रहे थे। चलते 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 वो एक ऐसी जगह पे आए जहाँ एक फिशरमैन फिशिंग कर रहा था। बड़े आराम से, मजे से, गाने गा गा के। उसे ये कुछ नहीं था कि आसपास लोग चल रहे हैं उसके, तो उसका गाना सुन के हंसेंगे नहीं हंसेंगे। मस्ती से फिशिंग कर रहा था और मच्छी आए ना आए कांटे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आराम से अपनी फिशिंग कर रहा था। ये देखकर पता नहीं क्यों वो जो अमीर से इंसान थे वो अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ, मछुआरे की तरफ, क्योंकि जिस बेफिक्री से वो कर रहा था अपना काम उन्हें पसंद आया। और पता नहीं उन्हें क्या सूझी, वो उसके पास गए और बोले, सुनो दोस्त। तो वो फिशरमैन ने उनकी तरफ प्यार से देखा, बोला, बोलिए। तो बोले, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला, जाहिर है मैं फिशिंग कर रहा हूँ, मच्छी पकड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम मच्छी पकड़ो, बहुत सारी सीरियस होके जरा सीरियसली लो अपने काम को, और फिर 20-25 मच्छी पकड़ो, उसको मार्केट में बेचो और आप पैसे कमाओ। वो बोला, हाँ फिर क्या होगा सर? तो बोला, फिर वो 20-25 मच्छी जो तुम बेचोगे उसका जो प्रॉफिट है वो तुम अपने पास जमा रखो, फिर और मच्छी पकड़ो, फिर तुमको और प्रॉफिट मिलेगा, इस तरह धीरे धीरे तुम्हारा रुपया कितना बढ़ने लगेगा। और उसने कहा, हाँ सर ये बात भी ठीक है, फिर क्या होगा सर? उसने कहा, फिर धीरे धीरे तुम अपनी एक फिश मार्केट पूरी खोल सकते हो और लाखों रुपए बना सकते हो। तो उसने कहा, सर फिर क्या होगा? इंसान ने कहा, बाद में कहा, क्या बेवकूफ वाले बात पूछते जा रहे हो, क्या होगा क्या होगा? जब आपके पास लाखों रुपए आएंगे फिश मार्केट खोल के तो आप बड़े चैन से रह सकोगे। तो फिशरमैन ने कहा, सर मैं तो अभी भी बहुत चैन से रहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है इतनी टेंशन मोल लेने की, ये सब करके मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे पास है उसमें। ये सुनकर वो जो बिजनेसमैन थे, वो जो अमीर आदमी थे, उनको एक झटका सा लगा और उनको लगा, यार बात तो सच है इसकी कि ये सब करके भी मजे से ही रहना है ना, तो अगर वो अभी भी मजे में है तो क्यों अपने सिर पे इतनी टेंशन ले, इतनी बड़ी फिश मार्केट खोले, ये करे, दौड़ भाग करे, कहीं उसकी जो इनोसेंस है जिसकी वजह से मैं इससे अट्रैक्ट हुआ, इससे बात करने पे मजबूर हुआ, कहीं वही ना चली जाए। नहीं दोस्तों, मेरा कतई यह मतलब नहीं है कि आप लाइफ में आगे ना बढ़े, लेकिन हाँ ये भी है कि इस दौड़ में इतने अंधे तो ना हो जाए कि लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को हम गंवा दें। लाइफ को एंजॉय करो, कमाओ, खूब कमाओ, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, सब करो, लेकिन लाइफ की छोटी छोटी खुशियों से अपने आप को दूर मत रखो। सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनकर जिंदा रहना जीना नहीं होता, वो तो बस एक सांस लेता हुआ इंसान होता है, लेकिन जीने वाला इंसान ऐसा होता है जो कभी नदी के किनारे बैठ के बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सिर्फ मच्छी पकड़ता रहे। कभी कभी ऐसा जीना भी जीना ही होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही कहानी, नेक्स्ट टाइम फिर एक खूबसूरत स्टोरी के साथ हाजिर रहेगी आपकी बहुत ही प्यारी दोस्त आरजे मधुरा। लव टू यू ऑल माई लवली फ्रेंड्स, माई लवली लिसनर्स, माई लवली व्यूअर्स। मेरे सब्सक्रिप्शन, मेरे लाइक्स और कमेंट्स जरूर उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।